शैतानिरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है, आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए पार्ट टू के मॉडर्न एसे का जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विसलिंग ऑफ द बर्ड्स, उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने जा रहे हैं। और जो चीज़ हम एक दफ़ा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, वो आप कभी भी उसको अपने जहन से निकाल नहीं सकते, वो इंशाल्लाह चीज़ आपके फिंगर टिप पे आएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको ग्रामर के बारे में भी अवेयरनेस होगी, रूल भी आपको क्लियर होंगे और पता चलेगा फिकरा बनता कैसे है। जो चीज़ एक दफ़ा हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, वो कभी भी नहीं भूलते। तो देखते हैं विसलिंग ऑफ बर्ड्स का। डी एच लॉरेंस ने अपने मजमून विसलिंग ऑफ द बर्ड्स में मौसम सरमा और मौसम बहार की एक वाजा तस्वीर खींची है। फिकरा है पे ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिकरा है। सब्जेक्ट फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, पहले हम अपने फार्मूले की फॉर्मेशन को कम्प्लीट करेंगे। सब्जेक्ट है डी एच लॉरेंस हैज ड्रॉन, डी एच लॉरेंस ने खींची है। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, वाजा तस्वीर, अ क्लियर पिक्चर, किसकी वाजा तस्वीर खींची है। अब देखिए मौसम सरमा और मौसम बहार की, ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग। अब इसमें दो तरीके भी हैं, या तो कहें ऑफ द विंटर सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन। अगर दी लगाना है तो फिर सीजन लगाना पड़ेगा, दी नहीं लगाना तो सिंपल विंटर एंड स्प्रिंग। विसलिंग ऑफ बर्ड्स में इजाफी चीज, इन द विसलिंग ऑफ बर्ड, मतलब परिंदों के चहचहाने में, परिंदों का चहचहाना, विसलिंग ऑफ द बर्ड, परिंदों का चहचहाना। वो मौसम सरमा को मौत का सीजन कहता है, प्रेजेंट का फिक्र है, प्रेजेंट डेफिनेट। जब किसी चीज़ को कोई नाम दिया जाए तो वहाँ पर कहने की अंग्रेजी काल होती है, से नहीं होती। तो ही प्रेजेंट डेफिनेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ही कॉल्स, वो कहता है, किसको कहता है, मौसम सरमा को। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मौसम सरमा, ही कॉल्स विंटर द सीजन ऑफ डेथ, ही कॉल्स विंटर द सीजन ऑफ डेथ। वो मौसम बहार को पसंद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है। ही लाइक्स स्प्रिंग या द स्प्रिंग सीजन, और इसे जिंदगी और खुशी का मौसम कहता है। एंड कार्स, कहने की इंग्लिश होगी एंड कार्स इट, और उसे कहता है जिंदगी और खुशी का मौसम, द सीजन ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। मुसनफ मौसम सरमा को पसंद नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। द राइटर डज नॉट लाइक विंटर या द विंटर सीजन। मौसम सरमा में परिंदे और कुदरत की दूसरी अशिया अपनी सरगर्मियों को रोक देती हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। मौसम सरमा में इन विंटर कोमे के बाद, यहाँ जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, द बर्ड एंड अदर थिंग्स ऑफ नेचर, ये पूरा सब्जेक्ट है, द बर्ड एंड अदर थिंग्स ऑफ नेचर, परिंदे और कुदरत की दूसरी अशिया रोक देती हैं। स्टॉप, क्या रोक देती हैं, अपनी सरगर्मियाँ, स्टॉप देयर एक्टिविटीज, अपनी सरगर्मियाँ रोक देती हैं। उसके बाद वो मुंजमिन हो जाती हैं, प्रेजेंट का पैसिव है, दे आर फ्रोजन या दे आर फ्रीज्ड, वो मुंजमिन हो जाती हैं। मौसम का कहर परिंदों जानवरों पर तबाही लाता है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, मौसम का कहर, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं सख्त सर्दी का मौसम, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं सख्त सर्दी, द सीवियर विंटर, द सीवियर विंटर, सख्त सर्दी ब्रिंग्स लाती है, क्या लाती है, डिस्ट्रक्शन, तबाही, किन पर, परिंदों और जानवर पर, और बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसके बाद जमीन परिंदों के मुर्दा शाम से भर जाती है, सादा फिक्र है। द अर्थ इज फुल, फुल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, फुल ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द बर्ड्स, ड्रग्स और पौधे अपनी ताजगी खो देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ट्रीज एंड प्लांट्स लूज, खो देते हैं देयर फ्रेशनेस, जमीन मुर्दा हो जाती है।
द अर्थ इज डेड सादा फिक्र है, हर कोई बर्फ और धुंध से खौफ जरा होता है, ये भी सादा फिक्र है। एवरीबॉडी इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ स्नो एंड फॉग। जबकि मौसम, जबकि मौसमी बहार जिंदगी और सरगर्मियों से भरा होता है, वाइल स्प्रिंग या द स्प्रिंग सीजन इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज, सूरज की किरणें तेजी से चमकना शुरू हो जाती हैं, प्रेजेंट डेफिनेट सूरज की किरणें, द रेज ऑफ द सन बिगन टू शाइन फास्टली या ब्राइटली। बिगन के बाद नेक्स्ट वर्ब जो आएगा वो टू से शुरू होगा। दरख्त और पौधे नई जिंदगी हासिल करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट ट्रीज एंड प्लांट्स गेट अ न्यू लाइफ, और हवा को खुशबू से भर देते हैं, एंड फिल भरना, एंड फिल द एयर विद फ्रेग्रेंस। मौसम बहार में हर चीज को नया रंग चढ़ जाता है, मौसम बहार में इन स्प्रिंग नया रंग चढ़ जाता है, ये भी कह सकते हैं हर चीज ताजा दिखाई देती है। इन स्प्रिंग एवरीथिंग लुक्स फ्रेश, हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, यूज ऑफ देयर देयर इज हैप्पीनेस एवरीवेयर। परिंदे गाना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, द बर्ड्स बिगन टू सिंग या द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग। बिगन के बाद नेक्स्ट वर्ब आएगा, टू से शुरू करेंगे, स्टार लगाएंगे तो नेक्स्ट वर्ब आएगा, यानी कि इजाफा होगा, द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग या द बर्ड बिगन टू सिंग, और लुफ्फन दोस्त होते हैं, एंड एंजॉय देम सेल्व। अब यहाँ पर एंजॉय के बाद देम सेल्व क्यों आया, जब भी एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी होता है। इसकी मैं एग्जाम्पल क्लियर करता हूँ, मैं लुफ्फन दोस्त होता हूँ, आई एंजॉय किस से, ऑब्जेक्ट नहीं आया, आई एंजॉय माई सेल्फ। अहमद लुफ्फन दोस्त होता है, एवर एंजॉय किस से, ये नहीं पता, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, एवर एंजॉय हिमसेल्फ। मैं शाम से लुफ्फन दोस्त होता हूँ, अब शाम ऑब्जेक्ट आ गया, आई एंजॉय इवनिंग, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। वो शाम के वक्त लुफ्फन दोस्त होते हैं, किसे ये नहीं पता, दे एंजॉय देमसेल्व्स इन द इवनिंग। तो ये बाकी करेक्शन के रूल में भी ये चीज़ मैं बताता हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अभी जो पेपर सप्ली के जा रहे हैं बच्चों के, तो हमारा कोई भी बच्चा फेल ना हो। आप हमारे नोट्स लें और हमारी वीडियो जो लेक्चर है उसको सुनें, आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह, और आपको मेकिंग सेंटेंस के बारे में भी अवेयरनेस होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो पार्ट टू के बच्चे हैं कम अज़ कम 60-70% से नीचे वो ना आए। ईडीएम करेक्शन हमारे दो चैनल हैं, प्रोफेसर तनवीर टिप्स और तलीम पॉइंट। कुछ चीज़ें हम तलीम पॉइंट पर डालेंगे, कुछ चीज़ें हम प्रोफेसर तनवीर टिप्स पर डालेंगे, तो दोनों चैनल को देखें। प्रोफेसर तनवीर टिप्स में इस वक्त ग्रामर की बेशुमार रूल हमने दिए हैं, उसको भी वाच करें, तो इंशाल्लाह जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक अच्छा ट्रांसलेटर भी बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।